के लिए भाई चाहिए 270, मतलब इतना कम भी नहीं है ना। रेडी हो रहे हैं तो चलते हैं। अंकल जी से ले रही है, अंकल जी कितने सेवर है? हाँ जी गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस मेरे आज के व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत एक होती है प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ। और भाई धूप जो है ना आज वो काफ़ी ज़बरदस्त वाली है, और मैं अभी उठूँ इतने लेट मैं कभी उठता हूँ, 8:30 होने वाले हैं अभी, तो आँख भी सही तरह नहीं खुलते क्योंकि भाई थकान बढ़ी हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, और पहले फटाफट से जाते हैं नहा के आते हैं। गाइस अभी जो है वो हमने अपनी स्कूटी वो रूम से निकाली है बाहर, गली देख रहे हो हमारी भाई, फिर भी यहाँ से इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि मैं एक हाथ से ना आराम से ड्राइव करके यहाँ से स्कूटी निकाल सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम जा कर रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं ऑफिस। अभी ना मॉर्निंग का टाइम है, और अभी भाई हम यहाँ से अंकल की दुकान से लेंगे एप्पल, जो कि इस वक्त सीज़न चल रहा है भाई एप्पल का, है अंकल जी? हाँ जी, तो बढ़िया वाले दिखाना, ठीक है? हाँ अंकल जी से ले रही है, अंकल जी कितने सेवर है? आधा किलो? चलो चलो मैं चेक कर सा आ तोली थे। तो चलिए भाई अभी फटाफट से चलते हैं अपनी गैस एजेंसी, तो देखते हैं क्या सीन रहता है भाई वहाँ। सो गाइस अभी का क्या है ना कि अभी भाई मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस, लगभग 9:30 हो चुके हैं अभी। तो कुछ लोग मैं बोलता हूँ ना यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ, करते हैं कौन से अभी डीसी में जा रहा है, मैं डीसी ऑफिस नहीं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। तो अभी हम ना पहले करेंगे धूप, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, पहले धूप कर रहे हैं। सो गाइस अभी ना धूप वगैरह हो चुका है, और अभी मैं भाई ब्रेकफास्ट करूँगा, जो कि मैंने अपने रूम से ना ब्रेड वगैरह डाल के मैं ले आया था, तो वो भी खा लूँगा प्लस एप्पल। अरे कहते हैं कि यार बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यार सुबह सुबह ना फ्रूट्स खाना अच्छा रहता है, तो मैंने सोचा चलो यार आज फ्रूट्स ही लेके चलते हैं। तो उसके बाद का आपको बताऊँ, अभी कुछ टाइम अपना देखते हैं भाई काम काज क्या है, तो वो करेंगे। आज का व्लॉग जो है काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, और शाम को जो है वो मैं सोच रहा हूँ भाई जिम जाएंगे, और जिम का भी क्योंकि जिम ज्वाइन किया हुआ मुझे 3 से 4 दिन हो गए। कल मैंने लेग्स लगाई भाई, इतनी बुरी हालत हो रखी है ना मेरे लेग्स की मैं बता नहीं सकता। तो बने रहिए बस अपने भाई के साथ, और देखते रहिए मेरा आज का जो व्लॉग है। हाँ जी गाइस, तो अभी का क्या है ना भाई, अभी बज चुके हैं 5:15 हो चुके हैं, तो अभी ऑफिस बंद करने का टाइम आ चुका है, और हम अभी लिख लेंगे रूम वाली साइड से। पहले मैंने सोचा यार थोड़ी कटिंग वगैरह जो है वो बाल सेट करवाने, क्योंकि कल का दिन जो है वो मैंने घर पर भी जाना है, उसके बाद संडे है फिर टाइम नहीं मिलेगा, कि सोचा आज ही कुछ ना कुछ करवा के जाऊँ थोड़ी बहुत सेटिंग। तो चलते हैं पहले देखते हैं भाई शोएब भाई जो हैं जिनके पास मैं अभी कटिंग के लिए जा रहा हूँ वो फ्री हैं या नहीं है भाई, चलते हैं। सो गाइस आए तो थे हम भाई शोएब भाई के पास कटिंग के लिए, बट चक्कर ये है कि अपने 3 भाई आगे बैठ रखे हैं पहले ही, तो शोएब भैया बोल रहे हैं कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेगा। तो महाराज अभी हो गए 5:30, तो कितने बजे तक आपके पास आए हम? 6:30 7 बजे तक है ना। तो चलिए भाई अगर 7:30 या 7 बजे तक टाइम मिलता है तो ही हम कटिंग करवाएंगे, नहीं तो कल पे बात चली जाएगी, उसके बाद हम भी जिम के लिए रेडी हो रहे हैं, तो चलते हैं जिम, वहाँ का जो वर्कआउट रहेगा वो भी आपको दिखाते हैं। सो गाइस अभी का क्या है ना भाई, हम आए थे अपने रूम में, और ट्राउजर वगैरह जो भी है हमने जिम का जो आउटफिट है वो पहन लिया है भाई, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे जिम, और आगे का जो हमारा वर्कआउट रहेगा वो आपको जिम में चल के दिखाते हैं। सो गाइज अभी का क्या है कि भाई हम पहुंच चुके हैं जिम, तो चलिए करते हैं इंटर और देखते हैं क्या हिसाब रहता है आज का। तो गाइज अभी का क्या है ना भाई, हमारा जो आज गेम है वो रहने वाली है बाइसेप और ट्राइसेप की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले कर लेते हैं वार्म अप। सो
सुबह पहले जो है वो हमारे 3 सेट रहने वाले हैं इंक्लाइन कर्ल्स के, तो इसके बाद देखते हैं कौन से लगाते हैं। सो गाइस अभी का क्या है ना कि हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी वो खत्म, ये खत्म, अब जो है वो हम भाई लगाने लगे भाई सब कल्स जो कि राड़ पे, उसके भी लगभग हमने 3 सेट लगाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज। हाँ जी गाइस अभी का कुछ इस तरह है ना कि बाइसेप की जो हमारी एक्सरसाइज थी वो हो चुकी है भाई खत्म। तो अभी हम मिलवाते हैं आपको जो हमारे जिम के ट्रेनर हैं उनसे, वो थोड़ा सा लेट हो गए, तो चलिए उनसे आपको इंट्रो कराते हैं। हाँ जी गाइस इनसे मिले, ये हैं हमारे कोच सर रामू भैया, क्या हाल है, ठीक हो आप? तो पहले मुझे आप ये बात बताओ कि लेट क्यों हो जाते हो आप, कहाँ पे थे इतने टाइम से? तो रामू भैया अभी मुझे लग रहा है व्लॉग में आने से थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, ऐसे शर्माते नहीं है ये, बट व्लॉग में आने से ना थोड़ा सा शर्मा रहे हैं रामू भैया। तो अभी जो है वो हमारी बाइसेप हो चुकी है ख़त्म, अभी हम जाएंगे भाई ट्राइसेप वाली साइड। तो 3 एक्सरसाइज लगभग हम ट्राइसेप की लगाएंगे। टू बी ऑनेस्ट भाई मैं टाइम बाद में जिम आ रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, लगभग 3-4 महीने से मेरी जिम में छुट्टियाँ चल रही थी और किस कारण वो भी आपको पता है। तो चलिए हम ट्राइसेप लगाते हैं, हालत वैसे मेरी ख़राब हो रही है क्योंकि कल मैंने जो है वो लेग्स की एक्सरसाइज करी थी। तो चलिए अब देखते हैं ट्राइसेप में क्या हालत होती है। सो गाइस जिम के साथ साथ आप देख सकते हैं हमारा जो है वो मैच भी स्टार्ट है जो कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। तो साउथ अफ्रीका को जो है चेंज के लिए भाई चाहिए 270 रन, अभी जो है वो 3 आउट हो चुके हैं और स्कोर आप देख सकते हैं 133 पे। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। सो गाइस ये रहा आज का जो हमारा भाई आर्म्स का जो हमारा वर्कआउट सेशन था, काफ़ी मज़ा आया और सच बताएं तो भाई लेग्स जो है ना वो हमने कल लगाई थी एक्सरसाइज लेग्स की, उसकी वजह से जो है वो वीकनेस काफ़ी ज़्यादा थी। और चलो वर्कआउट करने में मज़ा आया और मैं काफ़ी टाइम बाद जिम आया हूँ, तो पूरी कोशिश करूँगा कि फिर भी रेगुलर रहूँ और इस व्लॉग को उतना ही प्यार दें जितना कि मुझे हर एक व्लॉग्स में मिलता है। थोड़ा सा पंप चेक करते हैं, अभी इतने टाइम बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी पंप ठीक ही है, मतलब इतना कम भी नहीं है ना। चलिए अब लग रहा है भाई रेगुलर होना ही पड़ेगा, फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान अब देना पड़ेगा। ओके ये मेरा आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, तो जिन्होंने भाई अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द जाएं उत्कर्ष शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और व्लॉग्स जो हैं वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसी तरह कंटिन्यू रहें। तो चलते हैं हम रूम वाली साइड, खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद जो है थकावट हो रखी है, उसके बाद सीधा सोना है। तो गुड नाइट, लव यू ऑल।